ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी 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 ठीक है बाबा ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, अल्लाह। अदा किसी का फोन है? अरे वो बाबा जानी का फोन। बाबा जानी का क्या कह रहे थे? बाबा वो शहर आ रहे हैं। शहर से? कौन से शहर? अरे बाबा हमारे शहर और कौन से शहर। अरे हमारा तो गांव है, शहर तो शहरियों का होता है। अरे बाबा जरी ना मुझे सुबह सुबह परेशान ना कर। अच्छा मैं तो समझी थी कि सिर्फ बोड़ा भी तुमको परेशान करती होगी। अरे बाबा जानी ने कहा कुछ काम है। उनको भला कौन सा काम हो गया शहर में? ये तो उन्होंने बताया नहीं है ना, मैंने पूछा है। अरे भला बात तो सुनो, किधर जा रहे हो? अरे बाबा जानी ने कोई काम बोला है जानी को, वो जानी को बोलने जा रहा हूँ बाबा। अच्छा ठीक है, एक कप चाय का भी बोल देना, भूख लग रही है। Mr. Watson, don't ask me this question again and again. I will send you. Right, sir. Okay. Two. Hey, Baba Jani. Two cup of milk. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Jani. Yes, sir. No. Okay. Jani. Jani. जूत रखा वो देख ले जरा। Yeah. Yes. Okay. Three cup. हो गया बाबा. Right, sir. Two cup. Jani. पानी पिला, पानी, पानी, पानी. हाँ, हाँ. सर मैं अपने नौकर से बात I mean सर आई एम टॉकिंग टू माय सर्वेंट। ओके टू कार्टन दिस एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल सेंड यू। ओके ओके हाँ यस सर यस सर। ओके राइट राइट सर पे खड़ा रहेगा साइड में हो ना। हाँ तो यस सर नो ऑलराइट सर ऑलराइट ओके थैंक यू वेरी मच बॉस इंशाल्लाह आई विल सेंड यू आई विल सेंड ओके बाय बाय। Oh, 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 oh! Too much English. I can't afford this language. Sir, वो आपकी कंपनी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैं ये कर रहा था। बाबा कंपनी की इज्जत के लिए तुम हमारी इज्जत को मलिया मेट करेगा? अरे ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है? अच्छा ये बताइए कि क्यों आते हो? हाँ बाबा याद आया, मैं तो भूल गया था, गुस्सा आ गया था मुझे बाबा। वो बाबा जानी आ रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? क्या वो तो हर हफ्ते आ जाते हैं। हाँ बाबा वो हर हफ्ते आते हैं, लेकिन बाबा इस दफा वो कह रहे हैं कि जानी से कहना ना घर अच्छी तरीके से साफ करके रखे। क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता और उन्होंने बताया भी नहीं। टेंशन बिल्कुल ना ले, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा आराम से। पक्की बात है बाबा? पक्की बात सर। अगली दफा अगर तुमने मुझसे पानी पिया ना तो तुम्हें नौकरी से तनख्वाह काट लूं। अरे सर क्या बात है सर, ना भी लीजिएगा। अच्छा ये यार क्या ये यार बच्चों भाई चीजें भी ऐसी अपनी तरह की ले आते हैं। चलो खैर काम पड़ा हुआ यार। लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। खट्टा मीठा। ओ जानी। हाँ हाँ आया 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 जी। जानी सुबह से दंग करके रख दिया, बाबा सही आने वाला, घर की अच्छे से सफाई कर दो, बिल्कुल घर टापो टाप होना चाहिए। कर तो रहा हूँ टापो टाप ही तो हुआ हुआ, और क्या करो, देर से तो काम करे जा रहा हूँ मैं। किससे बातें कर रहे थे फोन पे? अरे क्लाइंट से बात कर रहा था, सामान वामान चाहिए था उनको। क्लाइंट से कर रहे थे, किसी छोकरी से बात कर रहे थे? अरे भाई क्या हो गया, छोकरी से थोड़ी, मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है करोगे भी तो तुम्हारा मोबाइल तोड़ोगे, जल्दी से घर की सफाई करो, और जाने प्लीज मेरे लिए एक कप चाय भी बनाना, मैं अभी फटाफट आ रहा हूं, मेरे कपड़े रखने थे। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तूने मुझे किन जानवरों में फंसा दिया। अरे बाबा कहां है सब लोग, किधर हो? तुम क्या 4 साल बाद मिली हो बाबा जानी से? बाबा हम अपने बाबा साईं से ना ऐसे ही मिलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं मिलते कि अपने बाबा साईं को देखते ही शक्ल बना लो, देखो बिल्कुल ऐसे ही। अरे सब छोड़े बाबा जानी, ये बताए कैसे आना हुआ, सब खैर तो है?
बैठने दो, पानी वानी पीने दो, उसके बाद में बात करूंगा सब, ठीक है? जानी जानी जी 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 आया सरकार, आया आया। हुकुम सरकार, कैसे याद किया? बाबा साहब के लिए कोई पानी वानी लेकर आओ। हाँ मैं लेके। बाबा नौकर की ट्रेनिंग सही नहीं किया, सलाम दुआ नहीं करता है। इसका दिमाग खराब नहीं हो गया मुझे लग रहा है कुछ। बाबा साहब पानी पीजिए, पानी पीजिए, दिमाग पे अच्छा असर पड़ता है। अरे बाबा ठंडा पानी भी नहीं पिलाते तुम लोग तो। अच्छा बाबा, बात ये है कि मैं आज एक ऐलान करने जा रहा हूँ। ऐलान वो ये है कि भाई जरीना का रिश्ता तय कर दिया है अपने। अरे वाह वाकई? सच्ची बाबा? सही, मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो बाबा जानी लड़का करता क्या है? हाँ भाई वो लड़का जो है ना वो अमेरिका भी रहता है। अरे वाह बाबा सही, इसका मतलब है जरीना अमरीका जाएगी शादी के बाद, वहां भी बाड़े खोलेंगे बाबा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और लेकिन वो ऐसा है कि भाई एक बात है। वो क्या? वो लड़का जो है ना वो दो दिन के बाद आएगा, लेकिन वो यहीं आके रुकेगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अच्छा तो फिर वो इसके लिए कमरा वमरा साफ कर देना, और दूसरी बात ये है कि उसके साथ एक बंदा होना चाहिए ताकि अगर किसी चीज को जरूरत पड़े बाबा तो उसको फौरन जो है ना वो पेश की जाए, ठीक है ना? हाँ बाबा सही, आप फिक्र ना करें, ये जानी उसके साथ रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना जानी? ठीक ठीक है ना बाबा। रहने दो यार, ये छोड़ो बस, ये ना करो ना कुछ काम बता दो। अरे तो वैसे मैं आपकी खिदमत कर रहा था। इस खिदमत का मौजू क्या है? वो आपने कहा था ना घर साफ सुथरा करने के लिए, और एक बंदे को भी रखना जो अमेरिका से आ रहा था उनके लिए, तो मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ वो तो करना पड़ेगा ना बाबा। सर वो खराबी ना हो तो मैंने एक बात करनी थी कि मैं आखिर क्या क्या काम करूँगा। हाँ तो करना तो पड़ेगा भाई। मतलब ये कि मैनेजर बन के ऑफिस के काम मैं करता हूँ, किचन और पूरे घर को मैंने संभाला हुआ है, इतना मेरे पे काम का लोड है, अब मजीद जो इजाफी काम है ना वो मसला बनेगा। बस इतनी सी बात? आपके लिए इतनी सी बात है? अरे बाबा वो आ रहा है तो एक और नौकर रख लो, मिल जाएगा कोई ना कोई। बाकी अब क्या लिख कर दे दूं मैं तुमको बाबा? नहीं आपका कहा बहुत है, तो इसका मतलब मैं ढूंढता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसे क्या हो गया है भाई? अरे बाबा नौकर के लिए इश्तेहार देती हूँ फेसबुक पे, पर नंबर किसका दूँ? हाँ आइडिया, अच्छा अच्छा। अरे मुल्क में बाबा ये भैंसे कम क्यों होती जा रही हैं? हैं? भैंसे क्यों कम हो रही हैं भाई? सलाम सरकार। हैं? वालेकुम सलाम बाबा। सरकार मैं नौकरी के सिलसिले में आया था। नौकरी के सिलसिले? कौन सा नौकरी? सरकार इश्तेहार देखा फेसबुक पे। अरे बाबा ये कौन सा बुक है? इंटरनेट सरकार, इंटरनेट पे इश्तेहार देखा। ओए नेट वगैरह क्या होता है बाबा ये? अरे जानी, ओ जानी। जी 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 जी। अरे बाबा इसको तो निकालो, कह रहा है कि मैं नौकर हूँ। अबे तू नौकर है तो मैं कौन हूँ? क्या नौकर मिल भी गया आपको इतनी जल्दी? ओहो मैं तो कई सालों से यहाँ नौकर हूँ। कई सालों से? कल रात को तो इश्तेहार छपाई, नौकरी कई सालों पहले लग गई बाबा, ये क्या हो रहा है? अब समझा मौलाना साहब, वो दौरे के लिए नहीं नौकर रख रहा था जो बात हुई थी, ये उस सिलसिले में आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाबा ऐसे बोलो ना। तो साहब मैं यही तो कह रहा था कि नौकरी के लिए। अच्छा ठीक है भाई, हमको तो भाई नौकर जो हफ्ते भर के लिए चाहिए, अगर काम तुम बाबा अच्छा करोगे तो हमेशा के लिए रख लेंगे तेरे को। तो मेरा क्या होगा? अरे तू क्यों डरता है बाबा, तू तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर के काम काज के बारे में क्या जानते हो? जी सरकार, पहले मैं एक शादीशुदा जोड़े के घर पे नौकर था, उसकी थोड़ा बहुत। फिर तो ये बड़ी अच्छे तरीके से काम जानता होगा। वाह भाई वाह वाह वाह। अच्छा जानी तुम ऐसा करो, इसको ले जाओ अंदर और इसको सारे काम वगैरह समझा दो। ठीक हो गया, आ मेरा भाई, आ जा बाबा, आ जा, मेहरबानी मेहरबानी, आओ आओ चलो। ये
मिठासें क्यों कम होती जा रही है मुल्क में? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। नौकर तो ठीक है, चलो अच्छा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? अजी शानी। अरे वाह, एक का नाम जानी, एक का नाम शानी, अब होगी मनमानी। जी मैं कुछ समझा नहीं जी। अच्छा भला ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई? ना जी, अभी तक तो कवारा हूँ। अरे वाह, मेरी भी शादी नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भला ये बताओ कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? ओ, कमाल करती है जी, पढ़ा लिखा होता तो यहाँ कोई बर्तन थोड़ी ना धो रहा होता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना परेशान होने की भला क्या बात है। मेरा आधा और बाबा साहेब भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन देखो उन लोगों ने कितने नौकर रखे हुए हैं। मैं अपने बाबा साहेब की इकलौती बेटी हूँ, मुझसे जो भी शादी करेगा ना वो बहुत फायदे में रहेगा। यकीन कीजिए जी, मेरे अभी भी कुछ नहीं समझ आया। अरे बाबा मैं समझाती हूँ। समझाइए ना जी। शानी ये अंदर जाओ, जरा वो सफाई वफाई कर लो। थोड़ी शानी अभी बर्तन रहते हैं ना थोड़े से। ओहो मैं धो लूंगा, चलो जाओ चाह भाई, चलो चलो जाओ ना अंदर, जो मैं कह रहा हूँ जाओ चाह जाओ जाओ। क्या कर रही हैं आप? मैं भला क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। नौकर पे लाइने मार रही है? हाँ ना भला, दूसरा बंदोबस्त तो होना चाहिए ना, अब अमेरिका वाला नहीं आया तो बंदा दूसरा तो। अरे क्या हो गया, क्यों नहीं आएगा? और दोबारा मैं ना देखूं उससे ज्यादा फ्री होते हुए। अच्छा तो भला फिर किससे फ्री हूँ? एक तो आपसे बात करना ही फजूल है। क्या हो गया जानी तुमको, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। अरे बच्चों आपने ज़रीना की हरकतें देखी है? अरे बाबा अब क्या हुआ है? ये जो नया नौकर है ना इस पे लाइन मार रही है। अरे बाबा वो कोई गाड़ी है जो चाबी लेके उस पे लाइन मारेंगे। अरे बाबा वो वाली लाइन नहीं, दूसरी वाली लाइन। अरे बाबा पता नहीं क्या होगा ज़रीना का। अरे बाबा दुआ करो वो अमेरिका वाला जो है ना वो पहले आ जाए, जल्दी आ जाए बाबा, ताकि इन हरकतों से हमारी जान ना छूटे। अरे बाबा इधर आओ, इधर आओ बाबा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बाबा, इधर आओ, इधर आओ। जी सरकार। हाँ बाबा तुम क्या सुन रहा था हमारी बातें? सरकार मेरी मजाल। बच्चों जाने दे इसे। अरे नहीं बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये हमारी तरफ देख रहा था। लेकिन सरकार देखने और सुनने में तो बहुत फर्क होता है, हैं नहीं? अरे बाबा जबान चलाता है, तमीज से बात करो, तुम्हारे जैसे 50 नौकर हमारे गांव में। बच्चू बच्चू रहने दे बस करे, जब वो कह रहे कि उसने कुछ नहीं सुना तो नहीं सुना होगा ना, जाने दे इसे। अच्छा बाबा आप कहती हैं तो जाने देता हूँ, जाओ बाबा जाओ काम करो। हाँ सरकार मैंने ज़रीना के बारे में कुछ नहीं सुना, और वो अमेरिका वाले लड़के के बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं सुना। देखो बाबा कितना सच्चा आदमी है बाबा, जाओ बाबा जाओ काम करो। अरे अरे आपने... अब क्या हुआ बच्चू, सुना नहीं वो क्या कह के गया? क्या बोल के गया बाबा? सही बोल के गया, जो भी गया है उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आई। बच्चू आप ना वाकई बड़े शरीफ है। हाँ बाबा तो ये तो अच्छी बात है ना कि मैं शरीफ हूँ, आप है ना चलाक है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं शरीफ हूँ आप चलाक है, हो गया ना हिसाब बराबर। यार जानी भाई यकीन करो यार, इस घर में अगर कोई मुझे अक्लमंद आदमी नजर आया ना तो वो आप हो। यार मुझे एक बात तो बताओ भाई। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या बात है? ये ज़रीना क्या फिल्म है यार, मेरी तो समझ नहीं आई। क्यों ऐसा क्या हो गया? आपने देखा नहीं था किस तरह किचन में मुझ पर बताता हूँ भाई। देखो एक तो गांव से आई, नया नया शहर देखा है, आंखें खुली की खुली रह गई हैं उसकी, और जिस लड़के को देखती है कोशिश करती है कि उससे शादी हो जाए। मतलब सीधा शादी? शरीफ लड़की है ना और सादा तबीयत की। तो आपके साथ भी कभी कोई ऐसी हरकत की है? अरे भाई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग ही यही है, जब से मैं इस घर में आया हूँ ना उसका फोकस मेरे पे ही है। अच्छा तो फिर कैसे बचते कैसे हो भाई? अरे भाई एक तो हम नौकर लोग, ऊपर से वो मालिक की बेटी, और जब वो मुंह खोलती है ना यानी उसकी जब आवाज सुनता हूँ तो दिल करता है बंदा भाग ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी पहली बार सुन के डर गया था। चलो शाबाश बेटा,
काम पे अब तवज्जो देनी है, कोई गड़बड़ हो मुझे आके बताना, ठीक है? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे नहीं नहीं, अरे किसकी कॉल आ गई? हेलो जी, अरे क्या हाल है? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी जी जी, हाँ हाँ, सब मैंने लिख दिया है बस। हाँ नहीं, सारे ऑर्डर तो मैंने सारा लिख दिया, ठीक है बस। सब पर ये एक बात बताएं कि ये कैश पे या कार्ड पे? पैसे कैश में चाहिए। अच्छा चले, मैं फिर सीमा मैडम से पूछ के बताता हूँ कार्ड का, ठीक है? अरे अरे जानी बाबा, ओके ला जी जी जा, अरे बाबा जानी, वो काम बोला था ना तुम्हें, वो है ना शानी, उसको बोल देना वो कर देगा। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा कौन सा था ऑर्डर? अच्छा इसको भी फोन कर ही लूँ, ठीक हो गया, इसके तो पूरे पैसे आ गए, ठीक है चलो। हेलो जी मलिक साहब। अरे मलिक साहब क्या हाल है, ठीक है खैरियत? जी जी, अच्छा पसंद आया सामान? ठीक है, 10-20 कार्टन और भेज देता हूँ मैं। अच्छा ज़्यादा हो गया, चले तो 5 भेज देता हूँ, चले ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। पैसे नहीं नहीं, पैसों की कोई फिक्र नहीं, जब दिल करे पहुँचा दें आप, ठीक है? ओके बात सर, मैंने खुद देखा है, बस आप आ जाएं और ख़त्म करें। अरे बाबा मेरा शक सही निकला है बाबा, ये बंदा कोई और है, अभी जाता हूँ सबको बताता हूँ बाबा। अरे बाबा कहाँ है सब लोग? जानी, सीमा, जरीना, बाबा सही। अरे बाबा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो बाबा का, तुम बताओ तो सही। अरे मैंने आप सबको ना आज बचा लिया है, है? अरे बच्चों खुल के बताओ क्या बात है? अरे बाबा वो शानी नहीं है, शानी हाँ। उस पे मुझे पहले ही शक था, आज मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है, बाबा वो किसी से बात कर रहा था और उसने कहा है कि आ जाओ और खत्म कर दो। खत्म कर दो मतलब मार दो क्या? नहीं नहीं सर, कोई गलत फहमी हुई होगी आपको। अरे बाबा तुम चुप करो, और क्या बात हो सकती है? अरे अच्छा वो देख लिया, शादी वाला घर है, कोई डाकू वाकू ना हो। हाँ हाँ अभी पुलिस को बुलाते हैं और तशवीश कराते हैं। हाँ ये भी ठीक है, इससे आपका शक भी दूर हो जाएगा। अरे चुप, ओह चुप हो जाओ तुम लोग। भाई वो मेरा दोस्त जो है ना अमेरिका वाला बाबा, उसका फोन है, मैं भी इससे बात करता हूँ, तुम लोग सब जो है खामोश रहो। हाँ हेलो न्याजी। हाँ बाबा न्याजी, किधर हो बाबा तुम? हाँ आ गए हो? अरे हाँ तो कहाँ हो तुम बाबा? अच्छा दरवाजे पे खड़े हो, दरवाजे पे क्यों खड़े हो बाबा, अंदर आ जाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने नौकर को भेजता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा बात सुनो, इस बात को यही रहने दो, हैं बाद में इस पे बात करेंगे, अभी जाओ तुम जो है ना वो न्याजी को लेके आओ, उसके सामने कुछ बोलना बोला नहीं है, ठीक है ना बाबू? चलो इधर 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 से जाओ, इधर से। हाँ ठीक है, आ गया मेरा दोस्त बाबा। भाई इट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हुई है मौले। हाँ भाई काफी सालों के बाद मुलाकात हुई है बाबा न्याजी। एक बात है यार, आई एम रियली इम्प्रेस, मैं तुम्हारी फैमिली से जो है ना बड़ा खुश हूँ। अच्छा अच्छा बता, ये बताओ न्याजी यार, वो तुम्हारा बेटा शाहनवाज आया नहीं है क्या? इधर ही है वो, यही आया हुआ है। किधर है, किधर है? हाँ बाबा किधर है? बाहर तो नहीं, मैं देख के आता। हाँ हाँ देख के इधर ही आया हुआ है। बाहर भी नहीं है। अरे बाबा फिर हाँ? अरे बाबा क्या बदतमीजी है, ये हमारे बहुत खास मेहमान है और तुम कैसे साथ आके बैठ गए? ये हुड़िया क्या बना रखा है बाबा तुमने? चलो जाओ अंदर बाबा। हाँ उठो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, चलो। अपनी औकात देखिए, अमेरिका से आए, ऐसे नहीं कि तुम्हारे पिछले मोहल्ले में रहते, उठो यहाँ से। वो भिड़सा क्या जाहिल आदमी है, अब मुझे यकीन हो रहा है ये कोई और आदमी है। अरे भाई मेरी बात तो सुने, मुझे बोलने तो देना आप लोग। तुम परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, तफ्तीश करा लेते हैं ना बाबा। मौलाना साहब करें फोन। हाँ हाँ बुलाएं बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, बुलाएं पुलिस को। तू बताते हैं बाबा, सब्र करो तुम। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ ना, मैं फोन कर रहा हूँ। आप लोग खामोश जाए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। मैं असल में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यही मेरा बेटा है शाहनवाज शानी। एक्चुअली मैंने इसको भेष बदल के आपके घर में भेजा था ताकि आपके घर की असलियत मालूम हो सके।
अच्छा 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 हाँ भाई, मुझे उम्मीद है कि तुमने हमको अपनी उम्मीद से ज्यादा पाया होगा बाबा, है ना? जी जी बिल्कुल, उम्मीद से बढ़कर जाहिल और गवार पाया है डैडी। चलिए। अच्छा, अरे न्याजी बाबा, न्याजी बात तो सुनो, और न्याजी नहीं, नहीं, चलो न्याजी बात, अरे भाई रहने दो यार, चलो चलो बेटा चलो, चलो गवार के किया बाबा, अरे बाबा वो मेरा जानी पता भी नहीं कर रहा था, उसके साथ ये बर्तन धुलवा रहे थे, इन्होंने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। अरे बाबा वो मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे घर से आया था वो तो। भाई एक बात माननी पड़ेगी, मुंह पे सच कह के गया। क्या मुंह पे बोल के गया था? तो बाबा की तारीफ क्या है, जितनी करो कम है, करे 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 करे। अरे बाबा अंदर तो बुढ़े बात करते ना, नौजवान खुले में बात करते। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे नौजवान कहा। अरे नहीं बाबा, वो तो मैं अपने आप को कह रही हूँ। अच्छा ये बताए आपकी शादी हो गई है? आपसे तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा भाई। नहीं नहीं मैं अपने नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ ना बाबा। नहीं भाई वाह, फिर रिश्ता पक्का समझू? बिल्कुल पक्का। अगर आप लोग मेरे मुँह पे पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी। हाँ तो बाबा तुम बताओ ना, तुमको कबूल है या नहीं है? बाबा साहब अगर मैं शर्मा के कमरे में चली जाऊं तो फिर आप समझ जाना कि मुझे कबूल है। एक दो अरे बाबा इसकी इतनी हिम्मत के मेरी अलमारी में घुसा, मेरा सलवार कमीज निकाला और पहन कर यहाँ बैठा हुआ है। अबे तुम्हें मसला क्या दरपेश है? तुम्हारी अलमारी में घुसा वो, या सफेद सलवार कमीज पहने इस पे एतराज है, या पहन के यहाँ बैठा हुआ इस पे एतराज है तुम्हारे को? अरे बाबा इनको कहीं देखा है मैंने? अरे ये तो मुझे उसी शायद डॉक्टर की बहन में लग रही है। बकवास बंद करो जानी, ये वही है, और ये कपड़े और ये मेकअप ये मेरा है। What? यानी कि यूरोपिस्तान से आई हुई आंटी से ऐसी बदतमीजी करोगे? आने दो तुम्हारे पापा को, मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। सीमा, जानी, बच्चू, मौलादाद और टोनी शाह। अरे बाबा ये टोनी शाह कौन है? मैं, यानी कि इस घर में 6 अफराद रहते हैं। इस घर के बारे में जितनी मुझे मालूम आते इतनी तुम लोगों को नहीं है। इसका मतलब ये मेरा घर है, तुम इसके मालिक नहीं हो, निकलो घर से बाहर। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी।